अरे क्वेश्चन नंबर 1.2 हिट वी हैव डिस्कस यस्टरडे, क्वेश्चन नंबर 1.29 और बिफोर द 29 मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लिंक बात कही गई है एंड दैट क्वेश्चन इज अ चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर A charge is given to a conductor. Show that the strength of electric field is given by E equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बाय यूजिंग गॉस लॉ, दिस इज द क्वेश्चन। इट इज बिकॉज ना 1.29 पे जाने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज कंडक्टर। It is said that a charge is given to a conductor. What is the charge? This is static question. Yes. Someone saying something? Sir, this is NCERT question. This is NCERT based question. So the question number 1.29, it is said a hollow charge conductor is having a tiny hole. So first, you must understand what is the field due to the charge conductor. So I am giving you from my side. Okay, the charge is given to a hollow, to a conductor, and the conductor may be hollow, solid. Yesterday we said in all the conditions it will remain same. Whenever the charge is given to the conductor, whenever excess charge, yani ke extra charge. is given to the conductor, it must appear on outer surface of it. Or you can say no charge can reside inside a conductor. Does not matter that this is hollow or solid. Or you may say net electric field inside the conductor is always zero. किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? सरफेस पे होगा। ये जो है, ये फील्ड जो है, दिस इज ऑन द सरफेस। क्लियर? तो आपसे कहते हैं कि आपके पास में कंडक्टर है। अब कंडक्टर मे बी ऑफ एनी शेप, तो यू मे एज्यूम दैट यू आर हैविंग एनी इररेगुलर शेप ऑफ द कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। ठीक, अगर ऐसे नहीं लेना चाहें तो आप दूसरी तरह का कंडक्टर मान सकते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर ले लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास में ये कंडक्टर है, and the charge is given to it. The charge is given to the conductor.
whatever the charge was given, that must appear on the outer surface. अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करूंगा ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ध्यान रखिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, E equal to zero है यहाँ पर. If suppose, जी सर, सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज. सर मैंने कहा कि व्हेनेवर द चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, देन द एक्सेस चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट वन, और यू मे से नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड कंडक्टर हॉलो और सॉलिड. ठीक. और द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. जितना भी चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे अपीयर होता है. यस्टरडे वी डिस्कस दिस थ्योरम इफ यू रिमेंबर. Got it? Yes. So what I am assuming, let there is a spherical conductor, a charge is given to it, so the charge must appear on the outer surface. Let there is a conductor which is given. A plus Q charge so charge must appear on surface. Sir, mention kar raha hu main outer of it, yani ke conductor ki outer surface pe चार्ज अपीयर होगा. एंड फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. गॉट इट. यहां से जो फील्ड लाइंस बनेंगी मेरे बच्चों वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी. हमने कल ये भी बनाई थी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ कंडक्टर इफ यू रिमेंबर. अगर किसी को डाउट हो तो इसके बाद में एक बार मैं फील्ड लाइंस पर बना दूंगा. इज दिस क्लियर? Then after you see, let there is a Gaussian surface of area A. मान लीजिए area A ले लिया या area D. इसको इंटीग्रेशन में लगा दीजिए. एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी मान लीजिए ये रहा. दिस इज द गॉसियन सरफेस. दिस इज द एरिया डी मान लीजिए. नाउ यू सी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी सरफेस को कवर करके देख. गॉट इट. If I draw an area vector here, this is the direction of the area vector E dot n. So area vector will be in the same direction of electric field. Hence, d phi, it is equal to E, close integral of d. कहिए ठीक है? This will be phi equal to E, close integral of d for the whole surface. अगर मैं केवल छोटी surface के लिए लिखूंगा तो E d. कहिए ठीक है? Got it? This phi can be taken as इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कहिए ठीक है? बिकॉज जो सरफेस मैंने मानी उसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैंने पूरे का इंटीग्रेट कर दिया. दिस इज ई, दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी. अगर मैं इसको लिखूंगा डी क्यू, दिस इज सिग्मा इंटू डी ए. अब क्योंकि मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो क्लोज हो गया. अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई
क्लोज एंट्री का लव डी है, सॉरी here I am not putting the value of the area because this is applicable for any type of the shape and the size of the conductor. ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए स्फेरिकल बनाया था। सर मैं इसके बदले फ्लैट शीट भी लेता, मान लीजिए मेरे पास में ऐसी शीट होती मेटल की तो भी मैं ऐसा ही काम करता। मैं अगले पेज पे डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा। नाउ दिस इज सिग्मा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई close integral of dA, this is cancelled here, so E equal to sigma upon epsilon. Got it? Any doubt? Any doubt regarding this? Is this clear to all? Whenever you are calculating the electric field of a conductor, so remember the electric field is this. I said you that this is a spherical surface. Don't consider as a spherical. You may suppose any conductor, मान लीजिए उसकी सरफेस कुछ ऐसी थी। और ये ऐसी सरफेस कहां से आई? ये सरफेस मान लीजिए किसी एक सिलेंडर में से। आप इसको एक सिलेंडर मान के चल सकते हैं, है ना? आप इसको सिलेंडर लेके चले चलिए। सिलेंडर पे से मैंने छोटा सा सरफेस ले लिया, बट रिमेंबर दैट दिस इज अ मेटलिक। तो इन अ मेटल केस एवरीवेयर द फील्ड विल बी, एवरीवेयर फील्ड विल बी ओनली इन द वन साइड। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट हो बच्चों बताओ जरा। एनीवन इज हैविंग द डाउट रिगार्डिंग दिस? देयर आर 22 पीपल, आकाश, अभिनव, अनन्या, अंश, अरिवा, आयुष, आयुष, हाँ जी सर, फवाज, हर्षिता, माही, मतलब कोई समझ में नहीं है जी सर। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं है। दिस लाइन हियर? यस सर। ओके, नाउ यू सी डी क्यू इज द टोटल चार्ज एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी डी सिग्मा, दिस इज डी क्यू अपॉन डी ए इफ यू रिमेम्बर। So dQ can be taken as sigma into dA. When you go for the whole surface, then you will be putting the integration sign. So integration of dQ upon epsilon not equal to E close integral of the dA. Got it? Is this clear? Then the dA will be cancelled by the dA. So the field will be independent of the shape and the size of the surface. Is this clear? So whenever you are having a conductor, so conductor is having the electric field only on the outer surface. Field is discontinuum, NOTE. Field is discontinuum in conductor. Or field lines cannot pass through a conductor. So suppose that this is a spherical conductor, मान लीजिए इसको मैंने एक electric field में रख दिया, sorry. This is the electric field. So electric field will be like this. So field ka pattern badal jayega. This is the pattern of the field. So when a conductor is placed in electric field, is placed in electric field, then field line number one perpendicular to surface
What do you mean by perpendicular? Radial inward and outward. Radial outward और inward मतलब radius की direction में आएंगे और चली जाएंगे. अगर मैं इसका एक imaginary center में आपको यहां दिखा दूं, ये center है, तो सर field line जो होंगी वो center पे ऐसे आएंगी और यहां से deviate हो जाएंगी. ये आएंगी और ये चली जाएंगी. ये field line ये ऐसे आएंगी and then this will be passing like this. Am I clear in my words? इतनी बात समझ में आई बच्चों? Field lines are always perpendicular to the surface. Number two, net field inside conductor. Again, I am repeating the word inside. E is zero. इसके अंदर E zero रहेगा, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि electric field line cannot pass through the conductor. Electric field line cannot have sudden break. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी. क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बट व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड in path of field lines, then got discontinued. Otherwise, electric field line can never be discontinued. Am I clear in my words? ये बात समझ में आ गई बच्चों? अगर किसी को इतने में doubt हो, once again I am telling you this thing. I took the one question because the question number 1.29 background is not given in NCERT. Iski jo NCERT milegi is chapter mein nahi milegi, aage wale chapters mein milegi. But 1.29 ko solve karne se pehle aapne ye question solve karna. Am I clear in my words? Is this clear? We are having 20 people. Anyone is having the doubt regarding this? This is the pattern of the field line. If suppose I remove this conductor, then the field line again will be straight. But when you say that the field conductor is kept, so conductor field mein rakha jayega, to usse field line radially inward or outward. Ab iska matlab kya hai? Agar main aapse kahun ki this is the propagation of the field from the left to right, that means somewhere here is the positive. If this is the place, then this must be the negative. Now the field is passing from positive to negative. When you are saying that you are putting a conductor, it means by the method of the induction. Here, यहाँ पर method of induction से यहाँ पर negative develop हो गया. और अगर इधर negative develop होगा my child, then here, my dear, this will be the positive. तो field positive से negative आया, ठीक है? और फिर positive से negative चला गया. और अंदर का net charge क्या रहा? Zero रहा. Got it? This is known as that the electric field line cannot pass through the conductor. बाद में फिर से याद दिलाना, this is known as electrostatic shielding. Now what do you mean by electrostatic shielding? That means a conductor is kept in the electric field. ठीक है, तो conductor के पास में आने पर electric field discontinue हो जाता है. अब जैसे example के तौर पे सर मेरा ये mobile. आपको दिखा होगा सबको, है ना? इस मोबाइल को लिया मैंने अपने घर के आयरन के अलमीरा में रख दिया, उसके लॉकर में बंद करके, और दूसरे मोबाइल से मैं इस पर कॉल करूं, सर सिग्नल नहीं पहुंचेगा, हमेशा आएगा आउट ऑफ द रेंज. रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गो इनसाइड द कंडक्टर. बट इट उसको बदले, अलमीरा के बदले जो आपके घर में आयरन का कंटेनर हो, ठीक है, स्टीलनेस स्टील वाला या कोई और मेटल का कंटेनर हो जो चारों तरफ से बंद हो सकता हो, उसके अंदर मोबाइल को रख दीजिए और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए, उसके लिड को क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद में
दूसरे मोबाइल से कॉल कीजिए, देखिए सिग्नल नहीं पहुंच रहा। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ऑलवेज रिमेंबर। अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पुटिंग इनसाइड अ कंडक्टर। बहुत सारे सेंसिटिव इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है ना, कैसे, एक कंडक्टर के अंदर। हॉलो कंडक्टर की स्पेशलिटी, लाइटनिंग हो रही है बहुत तेजी से, मान लीजिए आसमान में बिजलियां गिर रही हैं, मैं अपनी कार में जा रहा हूं, ठीक है, और जगह जगह पे बिजली गिर रही है, खूब लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, अब डर लगेगा तो क्या करा जाए, बारिश इतनी तेज है कि आगे जा नहीं सकते, दिखाई नहीं पड़ रहा है, वाइपर इतनी स्पीड से उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अंदर से ह्यूमिड इतना हो रहा है, ठीक, तो क्या करा जाएगा। सजेशन होता है कि दैट व्हेन द थंडरिंग एंड द लाइटनिंग इज गोइंग ऑन एंड यू आर गोइंग इन द कार, व्हाट इज सजेस्टेड टू यू, गो आउटसाइड द कार, गो अंडर द ट्री और रिमेन इनसाइड द कार। तो आंसर इज रिमेन इनसाइड द कार। दिस थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे एंड फैराडे डिजाइन अ स्पेशल टाइप ऑफ केज। उन्होंने अपने लिए केज बनाया था और उस केज में उन्होंने क्या करा, ठीक है, उस केज के अंदर हर तरफ से इंसुलेटेड हो गया, जैसे मैं इस रूम में बैठा हुआ, ठीक है, मेरे फीट भी ग्राउंड पे नहीं है, सब कुछ मेरा जो है इंसुलेटेड है, एक चेयर पे बैठ गया, एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट अराउंड 10,000 वोल्ट सप्लाई वाज गिवन एंड द पीपल वर सरप्राइज्ड दैट द माइकल फैराडे वाज कंप्लीटली सेफ। रीजन, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट अप्रोच। एम आई क्लियर इन माई वर्ड्स? Yes, sir. किसी को भी इतने में कोई डाउट हो, फवाज, हर्षिता, माही, प्रिया, anyone, please don't hesitate in discussing, because here we are having to discuss. Physics जो है ना आधे से ज्यादा सर समझने का खेल है। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव बन गया। अब जितना यहाँ पे नेगेटिव बना उतना यहाँ पे पॉजिटिव बना, यानी कि सब कुछ कैंसिल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज परमानेंटली जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर हैव सडन ब्रेक, बट ट्रू, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द फील्ड लाइंस इट गेट डिसकंटिन्यू। नहीं तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन यहाँ से इधर जा रही है, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पे आके ब्रेक हो गई, तो फील्ड लाइन कैन बी डिसकंटिन्यू बाय पुटिंग। अगर मैं इसके साथ में एक और चीज लेके चलता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन, सपोज दैट देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज एंड देयर इज अ मेटेलिक शील्ड, ठीक, दिस इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, दिस इज अ मेटल शील्ड। So what I said you, the metal sheet, ठीक, और मैं इसकी थोड़ी सी thickness भी define कर देता हूँ जरा, so that अच्छे से देख पाए हम, this is a metal sheet, ये सारे PDF मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बनाकर भेज दूंगा, अभी मेरा period number 5 भी है और 7 भी है, जिन लोगों को doubt हो वो doubt में discuss कर सकते हैं, 5 और 7 period में फिर से मिलेंगे। अब दिस इज द चार्ज, दिस इज अ मेटल शील्ड, दिस इज हैविंग सफिशिएंट थिकनेस, तो फील्ड लाइन के आई सेड इज द कैरेक्टरिस्टिक, द फील्ड लाइन इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड, कौन से पे, कर्व सरफेस पे। रेडियल आउटवर्ड का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, है ना, यहां पर मैंने लिया फ्लैट सरफेस, तो फील्ड लाइन क्या होंगी, ये फील्ड लाइन, दिस इज द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन। Whatever I am discussing now, you please understand. And if having any problem regarding this, you feel like. When you say that the field is approaching here, it means that some negative charge is developing. This is the negative. अगर ये negative हो गया, तो definitely polarization हो रहा है. अगर इधर negative हो गया, तो definitely here एक positive development. You see, these all field lines. Perpendicular to the surface.
अब यहां से फील्ड लाइन पॉजिटिव होकर सीधे जाएंगे, कहां जाएंगी हमें लगता है यहां से बिल्कुल सीधी चली जाएंगी, है ना। यहां पर फील्ड क्या हो गया, जीरो। फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू द मेटल, द फील्ड लाइन इज कंप्लीटली डिसकंटिन्यू। एम आई क्लियर इन माई वर्ड्स? अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस एक्स है, सपोज आई से यू दैट दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो यहां से फील्ड लाइन इंफिनिटी नहीं जाएंगी, ये पॉजिटिव है, यहां पर एक वर्चुअल चार्ज आ जाएगा। और वर्चुअल चार्ज ये फील्ड लेकर आए, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इमेज। सो दिस प्लेन शीट विल बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर फॉर द चार्ज। इफ दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो दिस डिस्टेंस इज एक्स। सर मत, मेटल तो सर गुड कंडक्टर होता है, तो फिर चार्ज क्यों नहीं फ्लो कर रहा? मतलब सर मैं चार्ज फ्लो ही नहीं करा रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अभी बात हो ही नहीं रही है। हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात, दूसरी बात फिर से सुनिए, ये प्लस क्यू चार्ज है सर, मैंने यहाँ पे एक इंसुलेटर या कंडक्टर रख दिया, ये पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव इंड्यूस करेगा। निगेटिव इंड्यूस करने का मतलब फिर समझ लीजिए, ये पॉजिटिव है, इसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, these electrons will be attracted by this positive, so all the negative electron will be accumulating here and all the positive will be accumulating here, got it? Am I clear in my words? Sir, remember you are not conducting electricity, conducting electricity is a different phenomena, here you are saying the electrostatic, and when you say this is the static, मैंने आपसे कहा था याद करो, प्रेशर के केस में बोतल में पानी रखा है, नहीं बह रहा है, क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। अगर टेंजेंशियल फोर्स आता तो बोतल में रखा हुआ पानी बह जाता। आपने डैम में पानी भर रखा है, हाइड्रोस्टेटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक है। इलेक्ट्रोस्टेटिक मतलब आपके कंडक्टर के ऊपर फील्ड हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ये फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के पैरेलल नहीं होगी। अगर फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के पैरेलल हो गई तो वो क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करा देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर टू ऑल? यस। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस इज नोन एज, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, सो दिस विल बी अ वर्चुअल चार्ज। वर्चुअल चार्ज है तो इस बात का मतलब दिस इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। ये इलेक्ट्रिकल इमेज है, इलेक्ट्रिकल इमेज कहां होती है ना, आज आप मुझे ढूंढ कर कल बताएंगे। अगर मैं इसके बीच में फोर्स बिटवीन शीट एंड चार्ज कैलकुलेट करूं, ध्यान रखिएगा, अब सर फोर्स बिटवीन चार्ज एंड शीट नहीं होगा, फोर्स होगा इसके बीच में और इसके बीच में। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव नॉट गिवन दिस नेगेटिव चार्ज, दिस इज डेवलपिंग। जैसे मिरर के अंदर तुम नहीं खड़े हो, तुम्हारी इमेज बनी, इन द सेम वे जब आपने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ पे नेगेटिव अपने आप बन गया, ये वर्चुअल चार्ज है। तो फोर्स के लिए डिस्टेंस कोई बताओ मुझे कितनी लगेगी, 1 over 4 by epsilon naught q square, if this is the q, so this upon 2x whole square, so ye theek hai, is this clear? Yes sir. Anyone is having any doubt? Mahi, मान्या, ओपो A53, प्रिया, अभिनव, आकाश, प्रतीक पांडे, उत्कर्ष, सोनी शर्मा,
देखो थिंग्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी होती हैं, जैसे एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी में कन्वर्जन हो जाता है बस। वहां पर आप ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते थे, यहां पर आपने चार्ज की इमेज बना ली, ठीक। नाउ यू सी दिस इज द कंडीशन। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1.29 पे। सी सॉल्विंग क्वेश्चन इज अ डिफरेंट थिंग, बट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट थिंग। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन की बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, दिस इज द एग्जाम। अराउंड 6 मिनट्स आर लेफ्ट इन दिस मीटिंग, ठीक। आई एम ट्राइंग टू गेट इट, दिस इज 1.9 एनसीईआरटी। इट इज सेड अ होलो चार्ज कंडक्टर इज हैविंग अ टाइनी होल ऑन इट्स सरफेस। तो सपोज this is a conductor and this is having a tiny hole here. अगर कंडक्टर में होल नहीं होता तो कंडक्टर शायद ऐसा, इसके हर तरफ पॉजिटिव चार्ज होता, इसमें भी अभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस कंडक्टर को मैंने हटा दिया, यहां से इस पॉजिटिव को हटा दिया, इसमें होल कर दिया, तो ओनली दिस पार्ट इज नॉट हैविंग द चार्ज। तो यहां से जो फील्ड होगा, ये जो फील्ड होगा ना, ये कुछ इस तरह से होगा, ये जो पॉजिटिव है, इसकी पूरी सरफेस, दिस इज अ टाइनी होल। वी ऑलवेज से दैट हियर द फील्ड इज जीरो, तो फील्ड इज जीरो, सपोज दैट दिस इज द E1। अब इसका एक फील्ड E1 इधर भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव। अगर मैं किसी दूसरे पार्ट ऑफ चार्ज के ड्यू टू फील्ड कैलकुलेट करूं, तो देयर शुड बी अ फील्ड E2, and then this field must be propagating here also. This E1 is equal to E2, this is equal to sigma upon epsilon naught. Am I clear? Here you can see E1 plus E2 equal to sigma upon epsilon naught, and here you can see E1 minus E2, this is equal to zero. Because this is a conductor, inside the conductor the electric field is always zero. Sorry. If you add these two, then this is cancelled here. So 2E1 will be sigma upon epsilon naught. So E1 will be, that is equal to E equal to sigma upon 2 epsilon. Is this clear to all? This is the question number 1.29 NCERT. Is this clear to all? Anyone having any doubt? Ayush Gupta, Devansh, Ansh, Reva, Ananya. Anyone? All of you understood this question and the background of the question? किसी भी बच्चे समझ में जी सर बिल्कुल भी वाला जी सर सही वाला सर ये आपके अभी फिगर दिखाई थी वाला ये वाला क्वेश्चन समझ ये वाली फिगर मैंने आपसे कहा that this is a conductor. Someone have sent the message. Electric field कैसे बनाया आपने? Very good. इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर। अगर अभी मीटिंग ओवर हो जाए तो फिर पीरियड में फिर से हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, दिस इज अ कंडक्टर, इसकी सरफेस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, ई इधर गया, ई इधर गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे ई जीरो है, कहिए जी ठीक है। अब यहाँ पे ई जीरो कैसे होगा? सर जब तक दो वेक्टर कहीं से एक दूसरे को कैंसिल ना करें, ई जीरो नहीं होगा, कहिए ठीक है। यानी कि इस वाले पॉजिटिव का फील्ड इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी है। इस वाले पॉजिटिव का फील्ड इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी है। यहां पर आकर दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए कैंसिल हो गए। यहां पर दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ में थे, कहिए ठीक है। तो व्हेन मैं अगर एक सरफेस का, इतने सरफेस का फील्ड कैलकुलेट करूं, तो सिग्मा कौन है एप्सिलॉन का, कहिए ठीक। गॉट इट? इज दिस क्लियर?
इज दिस क्लियर उत्कर्ष? एनीवन हैविंग अ डाउट? ठीक है, इसको क्वेश्चन को अगेन वी डिस्कस इन द फिफ्थ पीरियड. ओके प्लीज डू कम. ओके वेरी गुड. तो आई एम टर्निंग ऑफ द मीटिंग. ओके एंड रेस्ट वी डिस्कस इन फिफ्थ पीरियड. ओके.